हाँ नमस्कार, मेरा नाम है आसुमन कैफ और आजकल हम आपके बीच एक पॉडकास्ट सीरीज को लेकर आपके आते हैं जिसमें हम लोगों के, खासकर हस्तियों के और विभूतियों के, उनके हिडन टैलेंट पर बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके लोग करके अमूमन लोग उनकी पहचान के साथ नहीं रहते हैं, उनकी आइडेंटिटी उस खास पहचान के साथ नहीं है। हमारे साथ हैं सारिम अली खान साहब। सारिम अली खान इस देश में खासकर युवाओं के एक आदर्श बनते जा रहे हैं। सारिम, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसमान भाई, मुझे बहुत खुशी है आपके पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारिम, क्या हम ये जान सकते हैं कि अभी हम जब यहाँ आए तो हमने बहुत कुछ जाना है जानसठ के बारे में और इतिहास में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, और जैसे ही हमने आपका एक घर देखा तो बड़ा ऐतिहासिक सा आपका घर हमें फील हुआ, दिखाई दिया, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आसमान भाई, ये मैं अपनी खुशकिस्मती कह सकता हूँ कि मैं जानसठ से हूँ, और जानसठ मतलब बाकायदा एक हिस्टोरिकल टाउन है हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं। और मुगल एरा में जो किंग मेकर्स, जो सैयद ब्रदर्स रहे हैं, वो जानसठ से ही इसी घर से, रंग महल से रहे हैं। सैयद हुसैन अली खान जो किंग मेकर्स रहे, और सैयद हसन अली खान, ये लोग किंग मेकर्स रहे उस दौर में जब मुगल सल्तनत थोड़ा वीक हुआ, और इन्होंने अपने अपने हिसाब से बाद में कुछ मुगल एरा में किंग्स जो बनाए, चाहे वो जब मुगल एम्परर जब थोड़ा वीक हुए उसके बाद जब इनके हाथ में पावर आई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जानसठ एक हिस्टोरिकल टाउन है, और मैं उस घर से हूँ, उस खानदान से हूँ जहाँ पर किंग मेकर्स रहे हैं। आप किंग मेकर्स फैमिली जो है उनके पास हाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, सैयद सैयद ब्रदर्स, सैयद हुसैन अली खान, सैयद हसन अली खान, मैं उसी फैमिली से हूँ और मेरा नाम सैयद सालिम अली खान है। एक बार कहते थे कि उनके जो सेना थी 10,000 सैनिकों की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो सल्तनत तो उनके इशारों पर नाचती थी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं ये वाली बात कह सकता हूँ, क्योंकि ये जब सैयद ब्रदर्स के हाथ में जब पावर आई, तो वो पावर खाली कुछ लिमिटेड ओहदे या लिमिटेड एरिया के लिए नहीं थी। वो पावर जो थी वो मतलब उस तरह से थी कि उनको किस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर किसको मुगल एरा में किसको किंग की कुर्सी देनी है, किसको जो है राजा बनाना है। तो क्योंकि वो गवर्नर्स रहे थे पहले और वॉर्स काफी लड़ चुके थे मुगल एरा के जो भी पीरियड थे जब किंग अलग अलग रहे हैं, तो हुसैन अली खान बाकायदा गवर्नर थे। तो और क्योंकि सैयद जो थे ये जब आए थे तो बड़ी बहादुर कौम थी, तो वो उसको लीड करा करते थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो उन्होंने जो है चाहे वॉर, चाहे डेक्कन वॉर तक अगर आप जाएं, हैदराबाद जिसको हम दक्कन की लड़ाई भी बोलते हैं, और चाहे आप अगर और मुख्तलिफ जो जितनी भी जब जंगें हुई हैं, अगर मैं इस वक्त पॉडकास्ट पे कहूँ तो शायद वो अलग इशू, लंबी बहस निकल जाएगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बाकायदा पावरफुल लोग थे, बहुत बहादुर लोग थे, और मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस परिवार से हूँ, और जानसठ से खास तौर से। और जानसठ अगर हम हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो सैयद ब्रदर्स का एक बाकायदा एक चैप्टर भी पढ़ते हैं जिसको हम हिंदी में सैयद बंधु भी कहते हैं। तो सैयद ब्रदर्स का बाकायदा एक चैप्टर है, और किंग मेकर्स ऑफ इंडिया में बड़ा रोल रहा है, और मैं खुशकिस्मती समझता हूँ अपने आप की कि मैं उस परिवार से एक ताल्लुक रखता हूँ। सारे हमने कुछ डिबेट्स में देखा है, और खासकर सोशल जस्टिस के इशू को लेकर के आप काफी वोकल रहते हैं और अच्छी बातचीत आप करते हैं, और एक बहुत बड़े तबके की, आप नौजवानों के एक तबके की आप वॉइस हैं। तो ये जो आपके अंदर अपनी बात कहने की सलाहियत आई है और ये जो बोल्डी आप इस बात को कहते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि सैयद ब्रदर्स का जो परंपरा है, जो वो ब्लड है, वो उसका कह असर है? सकते हैं आप इस बात को कि देखें हर किसी के अंदर जो एक हम बचपन से एक कहावत सुनते हुए कि खून अपना असर जरूर दिखाता है, और मैं इस बात को समझता हूँ कि शायद मैं जो भी जिस चीज़ के लिए भी वोकल होता हूँ, कहीं भी इनजस्टिस होता है उसके लिए बात करता हूँ, तो शायद ये मैंने अपने बड़ों से सीखा, और ये मेरे अंदर एक चीज़ आई है, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह इसको मेरे अंदर हमेशा रखे कि जब किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो, किसी के साथ भी इनजस्टिस हो, तो मैं वहाँ जस्टिस के लिए खड़ा रहूँ, और उनकी आवाज़ को, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार मतलब किसी के हाथ में पावर हो, क्योंकि हक जो है आसमान भाई वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं होता, और हक कभी हारता नहीं है। तो मुझे लगता है कि हक हमेशा कहना चाहिए, चाहे आप अकेले क्यों ना रह जाएं, और मैं हमेशा ये वाली बात सोचता हूँ कि जब भी आप हक की नुमाइंदगी करेंगे तो आपको देर में भले ही मिले लेकिन आपको सफलता जरूर मिलती सारे वहाँ पे एक अच्छे क्रिकेटर हैं और इंग्लैंड में काउंटी आप खेल रहे थे, वो आगे भी आप खेल सकते थे, इंग्लैंड के लिए भी खेल सकते थे, लेकिन एक खास तरह की परिस्थिति बनी और वापस आप अपने पूर्वजों की जड़ों से जुड़ाव रखने के लिए जानसठ आ गए। है। मिस हाँ करते हैं आप लंदन को? नहीं, लंदन को मैं मिस उस तरह से नहीं करता, क्योंकि देखिए अपना वतन अपना ही होता है,
और मैं जब लंदन में था तो मैं मिडिल सिक्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए काउंटी खेल रहा था, मिडिल सिक्स काउंटी खेल रहा था, डिवीजन वन खेल रहा था, और तब मेरे पास काफ़ी एक्सपोजर था। मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये एहसास रहता था कि अपने यहाँ वापस जाना है और अपने लोगों के लिए कुछ करना है। क्योंकि अगर हम अपने मुल्क में आएँ और ख़ास तौर से जो मेरा अपना वतन है, तो अगर मैं अपने लोगों को देखूँ तो काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो सही करनी हैं। और एक मैं उस कौम से आता हूँ या उस समाज से आता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ है और मैं किसी को बेहतर दे सकूँ या मैं किसी की मदद कर सकूँ तो मुझे उसमें ज़रूर आगे आना चाहिए। क्योंकि फिर अगर फिर हमारी ऐसी एजुकेशन का, हमारी ऐसी सोशल लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं किसी की मदद नहीं कर सकूँ अपने वतन आके। तो मुझे लगता है कि मैं इंग्लैंड को मिस करता हूँ, कि बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे क्रिकेटर्स, जो जितने फ्रेंड्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वहाँ पे काउंटी खेलने आते थे, हाँ वो दौर मैं मिस करता हूँ, लेकिन अपने वतन जैसा कुछ नहीं आसा भाई, अपना वतन अपना ही होता है। लेकिन आपके अपने देश में पिछले कुछ समय से हम आपको बातचीत करते हुए देख लेते हैं टीवी पर कि आप इनजस्टिस के खिलाफ मुखर होते हैं, खुद आप भी कह रहे हैं, और दो तीन घटनाएं हाल फिलहाल ऐसी हो गई हैं जो काफ़ी नकारात्मक संदेश दे रही हैं। एक संसद में घटना हुई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो काफ़ी आपत्तिजनक, दानिश अली को काफ़ी आपत्तिजनक शब्दों के साथ उनको अपमान उनका किया गया, अनादर किया गया। और दूसरी घटना जो है वो दिल्ली में हुई आज, जब एक केला चुराने पर एक एक कम्युनिटी के एक नौजवान की पीट पीट करके हत्या कर दी गई, लिंचिंग कर दी गई। सबसे पहले अगर हम बात करें दानिश भाई की, वो हम लोग के सीनियर भी हैं जामिया और के सीनियर आप हैं। बिल्कुल, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। अब आप इस चीज़ को समझें कि किस तरह से जो है मैं कि हर मीडिया चैनल्स को तो नहीं ये वाली बात कहना चाहता, लेकिन ये जो हो रहा है मुल्क में, जो नफरतें पैदा हो रही हैं या जो भी इश्यूज हो रहे हैं, कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उन अल्फाजों से आप बोल सकते हैं, तो आप खुद समझिए कि इस हालात में फिलहाल एक नॉर्मल इंसान के लिए किस तरह से एक ये सहना है। क्योंकि ये जो एक सीन पूरा क्रिएट किया गया है, ये जो एक पूरा एक सिनारियो बनाया गया है, एक माहौल बनाया गया है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे मुल्क को कहीं आगे लेके जा रहा है। ये सिर्फ नफरतें पैदा कर रहा है। और मैं हमेशा इस बात को समझता हूँ कि जो जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं ये सरकार से भी अपील करता हूँ, भले ही वो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हों जिन साहब ने ये अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मैं ये बाकायदा हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। और क्योंकि हक जो है, मैं अभी हक बयान की आपसे बात कर रहा था, हक ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया गया वो बेहद नाकाबिले बर्दाश्त। और अगर हम अपने मुल्क को कौमों के बीच में बांट देंगे या हम डिवाइड कर देंगे कौमों को, ठीक है, तो हम कहीं आगे नहीं जा सकते। और जो ब्रदरहुड है और जो मोहब्बतें हैं, ठीक है, ये सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अपनी अपनी जाती मफाद या जाती फायदे के लिए कुछ दिन के लिए चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन हमेशा अगर आप इस बात की बात करें आसम मोहम्मद भाई, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल है। स्टूडेंट्स लीडर के तौर पर, मतलब आप छात्र नेता जैसे ही हैं, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से छात्र राजनीति में एक प्रकार का अकाल सा आ गया है। खासकर ऐसे छात्र नेता डेवलप नहीं हो रहे हैं जो अन्याय के विरुद्ध और खास बिंदुओं को पहले से कहते रहे हैं पब्लिक के बीच आकर के, छात्रों के बीच जाकर के, और नेशनल इश्यूज पर काफी मुखर रहे हैं। अब ऐसे नेता नहीं दिखाई देते हैं, दो चार जो थे वो राजनीतिक पार्टी में चले गए, तो एक तरह से एक स्पेस वैकेंट दिखाई दे रहा है। देखें, अगर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें आसम मोहम्मद भाई, तो मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूँ कि जो एक पॉलिटिक्स है वो एक आपकी सोच के ऊपर है। क्योंकि आप पॉलिटिक्स स्टूडेंट लाइफ से शुरू करते हैं, और अगर आप आगे जाके, जैसे आपने बताया, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, स्टूडेंट जो लीडर्स थे, वो बाद में जाके पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए, तो मैं इसके लिए हमेशा वाली बात बोलता हूँ कि जब कभी आप हमेशा, बिकॉज आपको आने वाले टाइम पे अगर आपको राजनीति करनी है या आपको पॉलिटिक्स करनी है, तो आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी अपनी सोच को बदल कर, क्योंकि बहुत लोग स्टूडेंट लीडर्स ऐसे भी रहे, हमने आपने देखा, मैं पॉडकास्ट पे नाम ही लेना चाहता हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो जिनके मॉरल वैल्यूज कुछ और थे पहले, और बाद में उन्होंने अपनी बिल्कुल ही एकदम से स्विच किया और दूसरी तरफ चले गए। तो मुझे लगता है कि जब भी अपनी आदमी अपने जाती मफाद के लिए या जाती फायदे के लिए ये चेंज करता है, तो उससे क्या होता है कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, जो अभी जूनियर्स हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को बड़ा फील करते हैं। कि लगता है कि ये जो एक हम जिसको अपना एक एम्बिशन मान के चल रहे थे, हम जिसको अपना एक लीडर मान के चल रहे थे, हमारा एम्बिशन था कि हम उसकी तरह बने, और वो फिर बाद में अपने आप को चेंज कर लेता है इंसान,
तो उससे कहीं ना कहीं जो है ना वो एक वीकनेस पहुंचाती है। वीकनेस पहुंचे। तो इस मुझे लगता है कि ये बड़ी एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। और क्योंकि अगर मैं अपनी जाती बात करूं तो मैं ये हमेशा सोचता हूं कि मैं अपनी वैल्यूज के साथ कभी कोई समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि जो जो मैंने सोचा, जो मेरी एक सोच है, ठीक है, अगर मैं अभी इस सोच पे चल रहा हूँ तो मैं हमेशा जिंदगी भर उसी सोच पे चलता रहूंगा। ये नहीं है कि मुझे कहीं से कुछ मेरे बेनिफिट्स मिले, आगे जाके कोई मुझे कोई पॉलिटिकल पावर दे तो मैं उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक रीजन है कि स्टूडेंट लीडर्स जो हैं फिलहाल 2-3 साल में जो हम देख रहे हैं, फिलहाल उस तरह से आगे लीडरशिप नहीं मिल रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे DU हो, चाहे JNU हो, चाहे जामिया AMU, जितनी ये बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, हर जगह से मेरी हर स्टूडेंट से अपील है कि अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज को सेक्रीफाइस ना करें और जो वो सोचते हैं उसी पर हमेशा रहें, और हमेशा जो उन्हें लगता है कि सच की लड़ाई लड़नी है, सच की लड़ाई जिंदगी भर लड़ते रहें ऊपर वालों के साथ देकर। हाँ, बहुत शुक्रिया सारे में। और अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी एक्टिविटीज कुछ और भी हैं, उसके बाद हम फिर से सारे से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।